नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल बिहार टेलीविजन नेटवर्क की पेशकश बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में संतोष झा हाजिर हम आपको क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे। शुरुआत सुर्खियों से। 8 नवंबर को विरोधी दल मनाएंगे काला दिवस, एकजुट हो रहे नेता और कार्यकर्ता। पिछले साल 8 नवंबर को ही नोटबंदी का हुआ था ऐलान। राम नरेश फिर बने राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष, निर्विरोध हुआ निर्वाचन। कुलपति की अध्यक्षता में एमबीए एडवाइजरी कमेटी एवं एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक आयोजित। और त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व का 2 नवंबर से भव्य शुभारंभ, 3 दिनों में जुटेंगी अनेकों सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हस्तियां। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। जीवन निर्माण साहित्य प्राप्त करने का सुअवसर आपके दरभंगा में, विराट पुस्तक मेले का आयोजन कमला नेहरू पुस्तकालय लहरिया सराय दरभंगा में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, सुबह 10 बजे से संध्या 7 बजे तक। अखिल विश्व गायत्री परिवार दरभंगा के इस महा आयोजन में पधारें और जीवन निर्माण साहित्य प्राप्त करने के सुअवसर का लाभ उठाएं। और समाचार अब विस्तार से। 8 नवंबर को विभिन्न विरोधी दलों के साथ पूरे देश के साथ दरभंगा में भी काला दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल भी इसमें समर्थन देगा। तैयारियों के मद्देनजर बैठक आयोजित हुई जिला परिषद अध्यक्ष के सरकारी आवास पर। इस मौके पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आह्वान किया गया। बताते चले आपको, पिछले साल 8 नवंबर को ही सरकार ने नोटबंदी कर दी। 8 नवंबर को विभिन्न विरोधी दल पूरे देश के साथ दरभंगा में भी काला दिवस मनाएंगे। इस मद्देनजर बैठक आयोजित हुई जिला परिषद अध्यक्ष के आवास पर। कार्यकर्ताओं को इसमें अधिक से अधिक भीड़ जुटाने और खुद भी जुटने की अपील की गई। पिछले साल 8 नवंबर को ही केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था और इसे आधी रात से लागू किया था। विपक्ष काला दिवस के रूप में इसे मनाएगा। बैठा हुआ हैदराबाद में, बैठा हुआ गुलबर्गा,
और पूरे देश में अकेला आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। ये हमारी पार्टी की ताकत है कॉमन मैन, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये कॉमन आदमी मैं महबूब नगर एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है लोकसभा की, हैदराबाद से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर। आप याद होगा राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी समेत कई नेता इसमें मौजूद हुए। सतेंद्र कुमार, BTN न्यूज। राजद जिला अध्यक्ष के चुनाव में सर्वसम्मति से इस बार भी राम नरेश यादव को निर्विरोध चुना गया। राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष के चुनाव में सर्वसम्मति से इस बार भी राम नरेश यादव निर्विरोध चुन लिए गए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी, चुनाव प्रभारी और समस्तीपुर के राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जफर इमाम, पूर्व विधायक हरिकृष्ण यादव, पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया समेत कई नेता मौजूद हुए। और अब हम आगे जो होगा करेंगे साइंस साहब का मौका के बाद। अध्यक्ष जी, भैया हम राम नरेश भाई यादव जी को समर्थन करते हैं, लोग समर्थन करते हैं। इलाके डेलीगेट और तमाम पदाधिकारीगण आज के इस चुनाव में सिर्फ एक नाम श्री राम जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्री राम नरेश यादव जी का एक ही प्रस्ताव आया और जिसको तमाम लोगों ने यहाँ उपस्थित तमाम लोगों ने उसका समर्थन किया। राम नरेश यादव निर्विरोध दरभंगा जिला राजद के जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं। हम इस बार छठी बार हमारे जिला के कार्यकर्ताओं ने बहुत प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, लगातार छठी बार हमको अपना अध्यक्ष चुना है। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूँ। हमने कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के
ब्रांच नहीं आने दिया। अच्छा, जी सब लोगों के साथ अच्छा कोई बात नहीं, संगठन सारे लोगों के साथ भाईचारा बना के सब लोगों का परिणाम है जो लगातार और भविष्य में भी मैं कभी हो सकता है मानवीय भूल हमसे हो जाए लेकिन मेरी ईमानदारी में कोई गलती नहीं क्योंकि मरहूम गुलाम सरवर साहब जब विधानसभा के अध्यक्ष बने पहला उद्बोधन उन्होंने कहा था कि निर्णय लेने में एरर हो सकता है गलती हो सकती है लेकिन आई शैल नॉट एरर इन माय ऑनेस्टी मेरी ईमानदारी में कोई गलती नहीं हो सकती है उन्हीं के आदर्श वाक्य को मैं हमेशा चाहता हूं जो कम से कम जीवन भर अपनी ईमानदारी को बचा के रखूं और ईमानदारी में कभी भी गलती हम नहीं होने देंगे सारे कार्यकर्ता साथियों के साथ मान और सम्मान की हम रक्षा करते हैं। संगठन का चुनाव होना था और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान ने की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष और वो पहले भी 5 बार रहे हैं वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और भगवान ने उनको नई जिंदगी नया स्वास्थ्य दिया है इसके लिए मैं सारे जिला के कार्यकर्ताओं की तरफ से भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि ज़िला के कार्यकर्ताओं ने कोई एहसान नहीं किया है ये राम नरेश यादव एक ऐसा आदमी है जो पिछले 5 टर्म से यहाँ के ज़िला के सारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा और पार्टी के प्रति वफादार रहा है तो ऐसे व्यक्ति को उसके काम की का इनाम मिलना चाहिए और अभी चुनाव का समय है 2 साल के बाद चुनाव आना है तो जांचे परखे हुए व्यक्ति को ही जिला अध्यक्ष यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बनाने का संकल्प। यह चुनाव संगठन का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के हुक्म पर पूरे बिहार में चल रहा है क्योंकि उनकी सोच है कि संगठन मजबूत हो और आगे आने वाला चुनाव भी है। आज दरभंगा में हमारे राम नरेश यादव जी हरदिल अजीज अध्यक्ष है यहाँ के पार्टी के जिला अध्यक्ष तो इनके नेतृत्व में हम लोग भी काम कर रहे हैं हर जगह। अब हम लोग की सोच भी बन रही है कि अभी ये चुनाव के बाद हम लोग गाँव के तरफ भी चले और वहाँ अपने संगठन को मजबूत करें। आज जो चुनाव हुआ है पार्टी का राम नरेश यादव राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ वर्कर है और तमाम वर्कर के साथ लेकर चलते हैं इसीलिए छठी बार उनको सर्वसम्मति से आज पूरे दरभंगा जिला के सारे कार्यकर्ता सारे पार्टी का सारे मिल करके श्री राम नरेश यादव जी को पुनः हम दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष पद पर हमने नियुक्त करने का काम किया। हमारे बी आर ओ गुरु शाहिद साहब हैं हम सभी लोग मिलजुल करके आपसी सहमति बना के काफ़ी एकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष पद पर। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। एमबीए एडवाइजरी कमेटी की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह की अध्यक्षता में एमबीए एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित हुई बुधवार। नहीं,
करने वाले भी काम छोड़ के जाते नहीं सरफराज आलम बीटीएन न्यूज़। दूसरी तरफ कुलपति ने परीक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की मिथिला विश्वविद्यालय। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुरुवार से इसका शुभारंभ हो रहा है। गुरुवार 2 नवंबर की सुबह विद्वत यात्रा के साथ ही महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि के साथ समारोह का शुभारंभ होगा और विद्यापति संगीत एवं मिथिला मैथिली के समग्र विकास पर संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम का रंगारंग शुभारंभ संध्या काल। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व का आयोजन 2 नवंबर से हो रहा है। 2 नवंबर की सुबह शोभा यात्रा के साथ ही इसका शुभारंभ होगा, जबकि संध्या काल में विधिवत भव्य शुभारंभ इस आयोजन का होगा। 2, 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व की तैयारियों को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान के बैनर तले महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू और उनकी पूरी टीम ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन MLSM कॉलेज दरभंगा में हर वर्ष होता है और इस बार आयोजन का यह 45वां वर्ष है। समारोह ओरियान ओरियान समस्त मिथिलावासी देशवासी प्रदेशवासी सबहक सहयोग से नगरवासी जनप्रतिनिधि सबहक सहयोग से 2, 3, 4, 5 तक ई समारोह निरंतर चले। 2 तारीख के विशाल शोभा यात्रा के के बाद साँझ में उद्घाटन सम्मान समारोह विद्यापति संगीत संस्कृत और 3 के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कवि गोष्ठी नाटक और धरोहर मंच द्वारा पारंपरिक ओकर अभिनय नृत्य आदि 3 तारीख के है। 4 तारीख के विशाल सांस्कृतिक समागम है जो 2 मिनट में कमला में देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब कलाकार भाग ले। अमता घराना के जते शास्त्रीय संगीत के गायक सब में भाग ले। लोक संगीत के सब विधा के लोग आबि कुंज बिहारी मिश्र मैथिली ठाकुर श्रीमती रंजना झा जूली कुमकुम मिश्रा समेत माधव राय राम बाबू भगवान बाबू जते हम अनुमान करै छी जे 30 से अधिक महिला कलाकार एहिमे मैथिली मंचक जतेक नाम जानल अछि चर्चित परिचित जतेक नाम अछि हमता घराना कलाकार होथ मैथिली ठाकुर होथ कुमकुम मिश्रा जूली झा राम बाबू भगवान बाबू माधव राय कुंज बिहारी अरविंद ओम प्रकाश कन्हैया जी ज्योति मिश्रा बबली चौधरी आदि आदि जतेक के कलाकार मैथिली मंचक छथि सौंसे देश में गीत नृत्य कार्यक्रम छै। नलनी डॉक्टर नलनी चौधरी अति नटराज डांस अकेडमी के छै कार्यक्रम। तऽ एहि तरह 4 तारीख के जे 6:30 बजे शुरू करबै 5 तारीख के 10 बजे कार्यक्रम सम्पन्न परिक्रमा 9 बजे जे शोभा यात्रा के रूप में प्रारंभ हेतै विद्यापति के माल्यार्पण करैत एहिठाम से हमसब विश्वविद्यालय के प्रांगण तक जेबै जेहिठाम बाबा नागार्जुन के प्रतिमा पर माल्यार्पण करैत शोभा यात्रा के समापन कयल जेतै।
हम सब संस्थान के तरफ से अहाँ सबके माध्यम से सबसे पहिने आमंत्रित कर रहल छी अहाँ सब आदमी संस्थान के तरफ से ई निमंत्रण स्वीकार करी। ई तीन दिवसीय कार्यक्रम में अहाँ सब आबी। मीडिया के माध्यम से संपूर्ण मिथिलावासी से अनुरोध करै छिए कि अहाँ सब अधिक से अधिक संख्या में आबि कऽ एहि कार्यक्रम के देखू, एकरा सफल बनाओ आ राष्ट्रीय स्तर के जे हमरा ओतऽ कवि अबै छथि सेमिनार में एक पर एक विद्वान अबै छथि उनका विचार के सुनू और कवि के बात के सुनू। संतोष झा, BTN न्यूज। मिथिलांचल विकास परिषद, मिथिला संघर्ष समिति एवं साक्षर दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसकी पूरी तैयारियां चल रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केरल के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका नाका नंबर 5 पर। द्वारा केरल में जो लगातार हिंदुओं पर जो हिंसा किया जा रहा है, हिंदुओं का जो हत्या किया जा रहा है, हिंदुओं को जो बीच रोड पर भूना जा रहा है, उसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा केरल सरकार का पुतला दहन किया गया है। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम लोग केरल सरकार को ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो रवैया है, आपकी जो रणनीति चल रही है, हिंदुओं पर जो हत्या हो रहा है, हिंदुओं पर जो निर्मम हत्या किया जा रहा है, उस पर आप रोक लगाएं, उस पर आप सबसे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें। नहीं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अभी तो पुतला दहन किया है, इसके बाद एक से एक उग्र आंदोलन करेगी। इसके बाद हम लोगों की 11 नवंबर 2017 को केरल सरकार की एक शहीद बना देंगे। महारैली में दरभंगा के तमाम छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग केरल पहुंच के वामपंथियों की ईट से ईट बजा देंगे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। वामपंथ हिंसा के खिलाफ विद्यार्थी आलम पूरी तरीके से उसका हमेशा विरोध करते हुए रहा है और करेगी। यहाँ पर केवल राष्ट्रवादी सोच विचारधारा रखने वाले हिंदू और मुस्लिम हर एक आदमी उस मुद्दा से त्रस्त है। वहाँ केरल में जिस तरह किसानों को सभी कर्ज की माफी, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 मासिक पेंशन समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर सभी जिलों से किसान संसद के समक्ष धरना। अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में जत्था रवाना हुआ संसद के समक्ष धरना के लिए। पूरे देश से किसान जुटेंगे यहां। संसद के समक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर महाधरना का आयोजन किया गया है। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक लगातार महाधरना चलता रहेगा। राज्य हम लोगों को, बिहार के लोगों को 3 नवंबर को जाना है। हम लोग 3 नवंबर को बैठेंगे और 4 नवंबर को 10 बजे हम लोगों की समाप्ति होगी। 1 से 5 तक लगातार 20-25 हजार लोग संसद को घेर के बैठे रहेंगे जंतर मंतर पर। इसी में दरभंगा से हम लोग हजारों लोग के सत्ता के साथ राजीव कुमार चौधरी अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। दिल्ली 1 से 5 नवंबर हमारे नेता रामकुमार बाबू ठीक ही कहे, 1 से 5 नवंबर तक पूरे देश के किसान दिल्ली के पार्लियामेंट को घेर के किसानों के उपजा का
वास्तविक मूल्य जो नरेंद्र मोदी घोषणा किया था दोगुना मूल्य देंगे, उसके लिए खाद बीज की सब्सिडी के लिए, किसानों के कर्जा माफी के लिए, किसानों के आत्महत्या रोकने के लिए और किसानों के उपजा का उचित हक देने के लिए पूरे देश के किसान 1 से 5 नवंबर तक पार्लियामेंट को घेर के रखेंगे, जिसमें बिहार की पाली 3 नवंबर को है। आज 1 नवंबर को दरभंगा से हम लोग हजारों किसान के साथ पूरे बिहार के सभी जिला से किसान हजारों हजार की संख्या में आज विभिन्न ट्रेन से जा रहे हैं। हम लोग भी शहीद से यहाँ से 8 बोगी भर के पूरा ट्रेन लेके जा रहे हैं। और दिल्ली में सत्येंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम, BTN न्यूज। ये तब तक समाचार विद्यालय आपसी से पूरे फिर नजर उन खबरों पर जो रखा। 8 नवंबर को विरोधी दल मनाएंगे काला दिवस, एकजुट हो रहे नेता और कार्यकर्ता। पिछले साल 8 नवंबर को ही नोटबंदी का हुआ था ऐलान। राम नरेश फिर बने राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष, निर्विरोध हुआ निर्वाचन। कुलपति की अध्यक्षता में MBA एडवाइजरी कमेटी एवं एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक आयोजित। और त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व का 2 नवंबर से भव्य शुभारंभ, 3 दिनों में जुटेंगी अनेकों सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हस्तियां। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। तकलीफ शाम में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए बिहार टेलीविजन नेटवर्क की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए BTN न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।